ऐसे ऐसे व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी जा रही है जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं को। तो आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब कुछ बोल रहे थे, हमने बीच में रोक दिया। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भाई ऐसा कुछ खड़े हैं जो विधायक जी लोग हार गए वो भी बेरोजगार हो गए, वो कुछ खड़े सरकार के 3 साल हो गए, 3 साल हो गए आपको, 3 साल का पैसा आपको सरकार देगी? कोई नहीं देगा। मैंने एक नारा बनाया था, चुनाव होते सालों साल भर्ती लग के दस तुम्हारे पास खाना हो गया हो पूछा क्या सरकार आपको पैसा देगी, यही प्रश्न मैंने अभी अपनी आयोग के उच्च अधिकारी से पूछा। यह बताइए कि अगर यह नौकरी हमारी 5 महीने पहले लग गई होती तो हमें 5 महीने की तनख्वाह मिल जाती। तो उनका जवाब यह था कि आप लोग टेक्निकल विभाग के आदमी हैं, आप लोग कुछ न कुछ तो कर ही रहे होंगे, कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कुछ न कुछ तो आप लोग कमा रहे हो। इस प्रदेश में हम उनसे कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, अगर वो कहीं ना कहीं से वीडियो देखें तो उनसे जरूर इतना कहना चाहते हैं कि वो भी टेक्निकल है, उनको सैलरी की जरूरत क्या है वो भी कुछ कर सकते हैं। और जो हमारे देश के नेता हैं ज्यादातर तो अंगूठा टेक है और अंगूठा टेक के लिए बैल है और ट्रैक्टर है, गाँव में खेती कर सकते हैं। फिर कहे अंगूठा टेक नेता आके विधानसभा में बैठता है और उसको जरूरत नहीं है। हमारे देश में अगर आपको चपरासी की नौकरी चाहिए तो आपको योग्यता की जरूरत है, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको नेता बनना है विधायक बनना है तो किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ शब्द का इस्तेमाल करना जान जाइए, पॉकेट काटना जान जाइए, गला काटना जान जाइए, आप नेता हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इन जैसे नेताओं के देश में जरूरत नहीं है और चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारी यह वर्ष 2019 की थी जिसका अंतिम परिणाम 2 नवंबर 2021 को आ चुका था, परंतु क्या हुआ कि जिस भर्ती में 10% पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लग गया, केवल 10% सीटों पे स्टे लगा है और पूरी भर्ती आयोग ने रोक रखी है। 90% तो हो ही सकता है। हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कोर्ट का ऑर्डर भी है जिसमें सिर्फ 10% स्टे लगा हुआ है। जब मैंने यही बात उच्च अधिकारी से, यहाँ आयोग के उच्च अधिकारी से की, तो उनका यह कहना है कि जिस भी भर्ती में कोई भी न्यायालय घुस जाता है उस भर्ती को हम हाथ नहीं लगाते। उन्होंने कहा हमने 90% का भी केस कर रखा है, तो हमने उनसे यह बोला कि 90% का अगर रिजल्ट आता है तो आप हमारी फाइल भेजेंगे? उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते में आपकी फाइल भेज देंगे। लेकिन मेरे यह प्रश्न है सरकार से भी और आयोग से भी कि गेहूं के साथ घुन कब तक पीसेगा? जब तक कि ये केस 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलेगा, जब उन 90% बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, 10% पे स्टे है, तो उन 90% बच्चों के शारीरिक मानसिक आर्थिक और सामाजिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आपने पैसा खर्चा किया होगा डिग्री लेने के लिए? बिल्कुल किया। कितना किया है? हमारी 90,000 के लगभग फीस दी है। 90,000 तो सर सिर्फ फीस दिया है आपने, इसके बाद हॉस्टल के खर्चे रहे होंगे, जिंदगी का 2.5 वर्ष दिया है। अमूमन 60 वर्ष की उम्र है, अमूमन 60 वर्ष की उम्र है इसमें रिटायर हो जाना। 30-35-35 साल के लोग खड़े हैं, 40 वर्ष के लोग खड़े हैं, 55 साल तक के लोग हैं। कितने? 55 साल के। हमको लगता है कि जिस दिन ज्वाइन होंगे शाम को रिटायर हो जाएंगे। जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे, अगर ये सरकार मेहनत कर गई 5 साल में उनको ज्वाइनिंग दे दी, तो शायद सुबह ज्वाइनिंग पे साइन करे और शाम को रिटायरी उनको दे दिया जाए, भैया आप रिटायर हो गए हैं, कल से मत आइएगा। पढ़ते हैं तो 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया खर्चा करते हैं, बाप उनका या तो खेत बेच के पढ़ाए या गेहूं बेच के पढ़ाए या किडनी बेच के पढ़ाए, पढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। और ये शिक्षा है कि भाई साहब लोग पढ़ के उसके बाद आके सरकार को बता रहे हैं कि ये देख लीजिए साहब हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी दे दी। चलिए ठीक है, और चीज जानते हैं पढ़ाई के साथ हमने खर्च किया, चलो खर्च किया,
अभी 2-2.5 सालों से हमारा लखनऊ आके धरना कर रहा है, यह खर्चा सरकार नहीं छोड़ेगी। अरे नाले गैस निकलती है, बतौड़ा तलिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये सरकार नहीं छोड़ेगी। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, चुनाव की तारीख निर्धारित है, रिजल्ट की तारीख निर्धारित है, शपथ ग्रहण की तारीख निर्धारित है, सबका आवागमन निर्धारित है, क्या हमारी जिंदगी निर्धारित नहीं हो सकती? नहीं निर्धारित है, 7 साल में रिटायर हो जाएगी। हम वह स्वास्थ्य कर्मी है जिन्होंने कोरोना काल में अपना जीवन गांव पे लगा के लोगों की मदद की, तो क्या स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती जरूरी नहीं है? अभी मैंने तो सुना संसद में पिछले कार्यकाल ने सरकार में 5 लाख लोगों की भर्तियां की। सरकार यह दिखाए कि भर्ती निकाल के केवल पेपर करा देना भर्ती नहीं होती, जब वह अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन कर ले, पहली तनख्वाह उसके खाते में आ जाए, तब होती है उसकी भर्ती पूरी। और 5 लाख जो सरकार बात कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हर चीज जरूरी है, सबसे पहले देश का युवा अगर नौकरी नहीं कर रहा है ना, तो देश हर तरीके से कमजोर होता चला जाएगा। और यहाँ तो युवा से सब वरिष्ठ नागरिक होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी सामाजिक प्रताड़ना यह है कि जब किसी ने फॉर्म भरा था उसका बच्चा 6 महीने का था, आज 4 साल बीत गए, 4 साल का बच्चा होकर पूछता है पापा नौकरी मिली या नहीं। लेकिन वर्दी तो सफेद है, वो जानता होगा पिताजी डॉक्टर है। नाम क्या डॉक्टर लिख गया है, सरकारी डॉक्टर नहीं लिखा। डॉक्टर लिख लिए ना, तो इतना बहुत है, 2-2.5 लाख रुपए में अगर डॉक्टर लिखने मिल जाए, इतना कहाँ कम है इस देश में। हमारे गांव में जब हॉस्पिटल वाली दवा देता है ना, उसको भी हमको डॉक्टर साहब बोलने लग जाते हैं ऐसे। अरे नहीं तो झोला छाप, आप डिग्री दिखा सकते। डिग्री छोड़िए, मैं कह रहा हूँ ये आयोग, ये सरकारें हर महीने पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन निकालती है। विज्ञापन क्या निकालती है, आयोग ने कमर कस ली, अभ्यर्थियों को नौकरी देंगे, कमर कस ली। हर महीने कमर कसते हैं, महीने के अंत में कमर ढीली खाई हो जाती है। भैया जब महीने भर मेहनत करेंगे तो गर्मी पड़ रही है, तपिस पड़ेगी तो शरीर धीरे धीरे ढीली होगी, फिर पेट की टाइम करनी पड़ेगी। ये बताइए, समय पर चुनाव हो जाते हैं, आप मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ग्रहण हो गया, दोबारा आप सत्ता में आ गए, कोई भी होते उनकी जगह वो नहीं है, और भी होते, तो ये सब दबोचले क्यों करते हो ना? आप डिप्लोमा निकालो ना, हम लोग उसमें फॉर्म भरे ना, विज्ञप्तियाँ निकालो। जब आपको करना नहीं तो विज्ञप्तियाँ क्यों निकालते हो? हम ठेला ही लगा लेंगे यार, 2 लाख रुपए लोन लेके पकौड़ा तलना भी आता है। 2 लाख की बर्बादी किया, वो 2 लाख अगर ठेला लगाए होते तो जाहिर सी बात है परिवार चला रहे होते। ने पकौड़ा तलने की बात की है ना, महाशय को ये मालूम होना चाहिए पकौड़ा तलने के लिए भी आज के समय में जो ठेला लगता है वो भी 2 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। चलिए भाई साहब, दिखाई पड़ रहे हैं उनके बाल और पड़ते, हमको लगता है जाहिर वाले समय पहुँच गए हैं। वरिष्ठ नागरिक सूची जारी हुई नहीं है, अरे नहीं जो नई पेंशन है, जब सुबह ज्वाइनिंग करेंगे और शाम को रिटायर होगी तो उसको मिलनी नहीं है, 60 साल वाली मिलेगी क्या? क्या सुनना है, डॉक्टर लगा देते हैं, यही कहा था। देखिए भाई साहब खड़े हैं, दाढ़ी वाड़ी सब के बाल है कि नहीं, हमारे तरह झड़ गए, हमारी तरह है। देखिए क्या खूबसूरत समय है, सामने भाई साहब दिखाई पड़े, उम्र क्या होगी, 40 साल की उम्र है, और अगर सरकार मेहनत कर ले गई तो शायद इनको हो सकता है तो 4-10 साल की नौकरी मिल जाए। चलिए ठीक है, आखिरी मुद्दा यह है, तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी भर्ती किसी भी न्यायालय में जाती है, इस चीज पे ध्यान दिया जाए कि भर्ती पूर्णता रोकी गई है, कुछ लोगों की वजह से आप सबको नहीं किसी तरीके से नुकसान होता, 90% अब हम जाके हाईकोर्ट में केस लड़े, फिर वहाँ से ऑर्डर लाए, और न्यायपालिका काम में समय वही तारीख से तारीख मिलती चली जा रही है, पास नहीं है न्यायपालिका में।
अभी हमने वहाँ से भी राहत नहीं मिली है, इसलिए हमने यहाँ के अधिकारियों से निवेदन किया कि आप अपने विधि विभाग को थोड़ा सा मजबूत करें। छोड़िए, ये बताइए आश्वासन, आश्वासन यही मिला है कि आप लोग अपनी अपनी लड़ाई स्वयं लड़े, आप लोग केस के पैर भी खुद करिए, बाकी हमें जो करना है वो हम करें। अभी लड़िए, हाँ ठीक है भाई साहब, दिखाई पड़ी हंसी भी आती है और इस देश की व्यवस्था पर शर्म भी आती है। आप भी आए हैं क्या? क्या उम्र है? वही परमात्मा है कितने साल के बच्चे हैं? 7 साल में हो गए नौकरी मांगने, खड़ा हो जाएगा लड़का, पता चलेगा कि नौकरी कर रहा है, अब पिताजी अभी धरना दे रहे हैं। भाई साहब ने कहा कश्मीर फाइल का प्रमोशन हो रहा है, माननीय मोदी जी कर रहे हैं, बेरोजगार फाइल का प्रमोशन अगर मोदी जी करते थे तो बड़ा अच्छा हो सकता है कि वो भी चल जाए इस देश में। 100-200 करोड़ का बिजनेस वो कर रही है, हो सकता है 100-200 लोग नौकरी पा जाए। ऐसे भी आप फाइल के हलवाई हो गए, ऐसे आप फाइल के हलवाई हो गए हैं, अगर मोदी जी देख पाए तो पक्का है आपको मिलेगा। ऐसा कुछ है? चलिए धन्यवाद। तो ऐसे तमाम विषयों को हम लेके आते रहते हैं और आपसे रूबरू होते रहते हैं। किस देश की समस्याएं हैं अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? लेकिन हो सकता है आज सारी मीडिया विधानसभा में शपथ ग्रहण करवा रही हो, क्योंकि वहां तो पकौड़े मिले। अब मोदी जी वाले नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो हमको बनाने पड़ेंगे। बड़े बड़े फाइव स्टार होटलों से आएंगे और वहाँ नाश्ता कराया जाएगा, खबर को कोई दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा और जहमत भी नहीं उठाएगा। क्यों आएगा यहाँ धूप में? धूप बात के हुए क्यों आएगा? चलिए ठीक है, रिटायर्ड हो जाएंगे बता ये वही जो रहा है।